नमस्कार दोस्तों, मैं देवांश स्वागत करता हूं क्रिकेट कीड़ा की एक और नए वीडियो में। जैसे कि कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट टीम अनाउंस हुई फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप, तो यहां पे वर्ल्ड भर से हमको रिएक्शंस मिले, बट पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन है ये हमने का आपको बताना ज़रूरी समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट क्या समझते हैं इंडियन वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में। पंद्रह अप्रैल को भारतीय टीम अनाउंस हो गई थी बीसीसीआई द्वारा फॉर द अपकमिंग वर्ल्ड कप। तो बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने लोगों ने कहा कि पंत को होना चाहिए, किसी ने कहा कि रहाणे को होना चाहिए, बट पाकिस्तान का एक एक्स चैनल शो जिसका हम आपको नाम नहीं बता सकते, वहाँ पे एक बहस चली थी, उसमें शोएब अख्तर भी शामिल थे जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं, और उसमें ये चर्चा हुई कि जो भारतीय ओपनिंग कॉम्बिनेशन है वो शिखर धवन और रोहित शर्मा के बजाय रोहित शर्मा और केएल राहुल को होना चाहिए। पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि कुछ मैचों बाद, तीन से चार मैचों बाद शिखर धवन चूंकि आउट ऑफ फॉर्म होंगे तो उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा और केएल राहुल को खिलाया जाएगा। केएल राहुल को शोएब अख्तर ने कहा कि वो बहुत ही बड़े कैलिबर के खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा जब वो एशिया कप कवर कर रहे थे तो उन्होंने केएल राहुल से कहा आपको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल रही है, बट चूंकि विराट कोहली आपको काफ़ी पसंद करते हैं और जब जब वो कप्तान होंगे आपकी स्क्वाड में जगह रहेगी और शिखर धवन थोड़ा सा भी फेल हो गए तो आपको जगह मिलेगी। शोएब अख्तर ने काफ़ी समर्थन दिखाया केएल राहुल को। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि केएल राहुल शिखर धवन से बेहतर ओपनिंग बल्लेबाज है। अगर हम बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो शोएब अख्तर ने यह कहा कि अंबाती रायडू को दो साल से भारतीय मैनेजमेंट ने लगातार मौका दिया और उन्होंने न्यूजीलैंड में और कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंसेज भी दी, कुछ सेंचुरी मारी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो उनको मौका देने चाहिए तो विजय शंकर के ऊपर, क्योंकि विजय शंकर की बॉलिंग की वजह से आप उनको नंबर चार पे नहीं दे सकते। आपको भले टीम में बैलेंस मिल जाए पर जो अंबाती रायडू का एक्सपीरियंस है, जो नंबर चार पे खेलते हैं जिस लेवल का, उस पर उनको मौका देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिनेश कार्तिक को नहीं ऋषभ पंत को होना चाहिए था, क्योंकि ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक साल में अपना नाम कमा लिया और दिनेश कार्तिक आज 15 साल से अपना नाम नहीं कमा पाए हैं। तो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत को जाना चाहिए था विश्व कप में। पाकिस्तानी मीडिया को ऐसा लगता है कि भारतीय सेटर्स ने बहुत बड़ी गलती की ऋषभ पंत को ना ले जाकर और दिनेश कार्तिक को सेलेक्ट करके। तो दिनेश कार्तिक को उनको गलत साबित करना है। उन्होंने बॉलिंग कॉम्बिनेशन की काफ़ी तारीफ की और उन्होंने ये कहा कि भारतीय टीम से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसी भी टीम का बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। फास्ट बॉलिंग में भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी हैं, पर उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय बॉलिंग अटैक उतना ही कमज़ोर हो जाता है अगर जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी को कोई इंजरी कंसर्न हो जाते हैं। पिछले एक से दो साल में मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का जो फिटनेस रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया को यहाँ पर लगता है कि भारतीय टीम को खलील अहमद को ले जाना चाहिए था एज अ फोर्थ प्लेसर के रूप में। उन्होंने ये भी कहा कि हार्दिक पांड्या सारे मैच नहीं खेलेंगे, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कुछ कुछ जो अपोजिशन जो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलती, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, साउथ अफ्रीका हो गई, वहाँ पे इंडियन टीम तीन स्पिनर उतारेगी, कुलचा और रविंद्र जडेजा। तो देखते हैं क्या कि पाकिस्तान मीडिया का क्या यह आकलन है, कितना सही बैठता है, भारतीय मैनेजमेंट को क्या लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स के जरिए हमको जरूर दीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिए, उनका फीडबैक भी हमें कमेंट्स के जरिए दीजिए। और सबसे मुख्य चीज़, अगर आपको आईपीएल विश्व कप की किसी भी जानकारी से खुद को रूबरू रखना है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और उसी वक्त जो उसके बगल में बेल वाला आइकन है उसको भी टैप करना है।